नमस्कार निशा मधुलिका डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम चूड़ा की खीर बनाएंगे, यानी कि एंड राइस की खीर बनाएंगे। ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है और उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी कि चावल की खीर स्वादिष्ट होती है तो आइए चूड़ा की खीर बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने आधा कप चूड़ा ले लिया है और ग्राम्स में ये थर्टी फाइव ग्राम चूड़ा है इन्हें पोहा भी कहते हैं फ्लैट राइस है ये एक चौथाई कप हमने चीनी ली है में 60 ग्राम चीनी है। एक टेबल स्पून काजू एक टेबल स्पून किशमिश बारह पंद्रह पिस्ते चार छोटी इलायची और 500 मिलीलीटर हमने दूध लिया है फुल क्रीम दूध लेंगे हम खीर के लिए दूध को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है दूध हमारा गर्म हो रहा है जब तक हम काजू और पिस्ते काट करके तैयार कर लेते हैं इलायची का पाउडर बना लेते हैं एक काजू के 6 सात टुकड़े करते हुए हम काजू को काट लेंगे और पिस्ते को हम छोटा छोटा यानी कि पतला पतला लंबाई में काटेंगे दूध में उबाल आ गया है और दूध में हम ये चूड़ा डाल करके मिक्स कर देंगे और मीडियम और धीमी आग पर खीर को जब तक पकने देंगे तब तक कि चूड़ा अच्छे तरीके से फूल कर पूरे तरीके से पक नहीं जाता और दूध में एकदम हिलमिल नहीं जाता तो हम खीर को पकने देते हैं बीच बीच में हर दो तीन मिनट में हम खीर को चलाते रहेंगे हमने ड्राई फ्रूट काट करके तैयार कर लिए किशमिश डाल देते हैं काजू और पिस्ते भी डाल देते हैं और थोड़े से पिस्ते हमने कटे हुए बचाए हैं जिसे हम गार्निश करेंगे खीर को हर दो तीन मिनट में चलाते रहेंगे। हमने खीर में काजू पिस्ते किशमिश डाले हैं ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के अनुसार इसमें बादाम भी डाल सकते हैं चिरौंजी डाल सकते हैं तो जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाले जा सकते हैं उन्हें कम ज्यादा भी कर सकते हैं हमारी खीर बनकर के तैयार हो गई है देखिए इस तरीके से जब हम चमचे से गिराएं तो जो चूड़ा एकदम फूल करके मोटा मोटा हो गया है और दूध के साथ बिल्कुल बराबर चलता है यानी पूरा हिलमिल गया है दूध के साथ खीर में हम चीनी डाल देते हैं और एक दो मिनट तक चीनी खुलने तक खीर को और पकने देते हैं चीनी अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं खीर में हम इलायची पाउडर भी डाल करके मिला देंगे और हमारी एक खीर हमने धीमी और मीडियम आग पर खीर को पकाया है और जस्ट पंद्रह मिनट के अंदर खीर बनकर के तैयार हो गई है खीर को प्याले में निकाल लेते हैं खीर के ऊपर ये पिस्ते डाल करके हम गार्निश कर देते हैं चूड़ा की खीर बन करके तैयार है बहुत ही अच्छी खीर बनी है बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी है और बड़ी आसानी से बहुत जल्दी खीर बन जाती है तो जब भी आपको कुछ आ, मीठा खाने का मन है और बहुत जल्दी से बनाना है गर्मा गर्म तो चूड़ा की खीर बनाकर के खाई जा सकती है इतनी खीर परिवार के दो तीन सदस्यों के लिए पर्याप्त है आप चूड़ा की खीर बनाइए खाइए और अपने अनुभव निशा मधुलिका डॉट कॉम पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए